हरे कृष्णा। तुलसी शालिग्राम महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनिए। कार्तिक मास के तीसरे अध्याय में सत्यभामा पूछती है कि कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है, सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है। इसका वर्णन भगवान कृष्ण उन्हें सुनाते हैं। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामिन, काल रूप पधारी आपके सभी वर्ष मास दिन आदि अंग प्रत्यंग एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है। फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है। हे देवेश, इसका कारण कहिए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत ही अच्छी बात पूछी है। इस विषय में महाराज वैन के पुत्र प्रथु और नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद जी से राजा प्रथु ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने प्रथु को कार्तिक मास की महिमा बताई थी। नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोकों को मंथ डालने जीत लेने में समर्थ हुआ। उस शंखासुर ने स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्रादि दशों लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर समस्त देवगण समेरु पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री कुटुंब के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में शासन जमा कर निश्चिंत होकर रहने लगे, तब राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया है और इनका अधिकार छीन लिया है, तो ये भी लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं। अतः अब हमको क्या करना चाहिए। आज मुझे ज्ञात हुआ कि ये सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। उनके वेदों को हर लेने से ये स्वतः बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देख सत्यलोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लाया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं छिपा पा रहा था। इसी समय ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुँचे। श्री विष्णु भगवान को प्रगाढ़ निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूप गंधादिकों से बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय देवता ने हजारों सूर्य के तेज सदृश देदीप्यमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडशोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, हम आप लोगों के इस कीर्तन तथा मंगल गान से प्रसन्न हैं। आप लोग अपने अभीष्ट वर मांगे, मैं सहर्ष दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्रातःकाल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे, वह हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग करने पर वैकुंठ में जाएंगे। यह जो पाद अर्थ आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं, वह सब अनंत गुणों वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेगी। जो शंख खासुर सब वेदों को चुरा ले गए हैं, वह सब समुद्र में हैं। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे।
अब मैं मत्स्य रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी सब ऋषियों को लेकर हमारे साथ आवें। इस लोक के जो प्राणी कार्तिक में नित्य प्रातः काल में स्नान करेंगे वह यज्ञांत में अवभ्रत स्नान के पुण्य फल के भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे हे इंद्र उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण तुम उन्हें पुत्र पोत्रादि संतान देते रहना। धनाधिप कुबेर मेरी आज्ञानुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाया करता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने ये उत्तम व्रत कर लिया है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से यह एकादशी मान्य है और हमको बड़ी प्रिय है। हे देवता ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार का ना कोई तीर्थ ना कोई व्रत और ना कोई यज्ञ ही जो स्वर्ग दे सके। तीसरा अध्याय समाप्त। चलिए अब आपको कार्तिक मास की एक कहानी सुनाते हैं। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे जो 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने भली बात बताई, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध ले, उसमें थोड़ी सी मोहर अशरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला और जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता, तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देगी क्या। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी बाबा से कह दे कि रोटी मैं 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छानकर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है जा बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर अशरफी निकलती है। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी है उसके घर ना जाने कितनी होगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा। और वह ब्याह कर लाया। घर आकर बोला, रामू की माँ दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। आकर बहू का स्वागत सत्कार कर ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी अब तू भी मार ले, हमारी तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है तो तू बहू कहाँ से ले आया। ब्राह्मण बोला, तू दरवाज़ा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी, तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफ़ी समय बीत गया। सास बहू को सीख देती है कि बहू चूल्हे की आग ना बुझने देना
और मटके का पानी ख़त्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वह थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी ही है। बहू बोली, ना ना ना, आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि उनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे ये झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूंकी रोटी बना देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तो भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूकी रोटी क्यों, और दाल भी अलूनी है। बहू पलट कर जवाब देती कि आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि तुम अब 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए, तो ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है, हम आज हैं कल नहीं है, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखे तो किसी में अन्न भरा, किसी में धन भरा, किसी में बर्तन भरे, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही हैं। 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान हैं और वही एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देखकर बहू लड़के से कहती है, तू कौन है? लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहने सास ससुर का इंतजार करने लगी, उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बना कर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते कहने लगी, माँ जी आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो, तो तुम घर में स्नान क्यों नहीं करती हो? बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती है क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पीपल पतवारी माता लहरा रही हैं, तुलसा जी लहरा रही हैं, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही हैं, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं, वही तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया? लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगा मेरा अगड़ बगड़ पड़ोस कि तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले, इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाए, उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम
चमड़ा की अंगियां ब्लाउज पहनी और छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठ जोड़ा बधे, तो जब जाने कि ये बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगियां फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहु बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार ना रहा, वह बहुत खुश हुए। कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, भगवान ने जैसे बहु बेटा उसको दिए, वैसे सभी को देना।